हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टी लाइफ स्टाइल। और आज की वीडियो में मैं आपका शेयर करने वाली हूँ ये साई स्टाइल सायमाती का मेकअप लुक आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि उन्हें बहुत कम टाइम में क्रिएट किया था और बहुत जल्दबाजी में किया था। तो वो मेकअप मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया और मैंने क्रिएट किया अपने ऊपर। तो बिना कुछ देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले यूज़ कर रही हूँ विटामिन सी का सीरम, जो कि मामा अर्थ कंपनी का है और बहुत अच्छा लगा मुझे, लगभग ठीक ठाक ही लगा। पर इसका रिव्यू नहीं दे रही हूँ मैं, मगर मुझे ठीक ही ठाक लगा। और इसके साथ मैं यूज़ कर रही हूँ प्राइमर कलर बार का, और मुझे बेस तैयार कर रही हूँ। उनके पास जो मैं सामान यूज़ कर रही हूँ वो उनने सामान यूज़ नहीं किया था और वो मेरे पास है भी नहीं। तो मेरे पास जो सामान है, जो प्रोडक्ट्स है, मैं उसी से ये मेकअप क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है। और फिर अच्छे से अपने प्राइमर को लगाने के बाद 2 मिनट वेट कर लेंगे जिससे कि प्राइमर सेट हो जाए। तो यहाँ पर हमारा प्राइमर सेट हो गया। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर स्विस ब्यूटी का कंसीलर, और सायमा जी ने पूरा मेकअप कंसीलर पे ही किया था, कोई फाउंडेशन यूज़ नहीं किया था। तो मैं भी यहाँ पर कोई फाउंडेशन यूज़ नहीं करूँगी और कंसीलर से ही मैं अपनी आईज़ को डिफाइन कर लेती हूँ और ब्लेंड भी कर लेती हूँ साथ ही। फिर यहाँ पर मैंने पर्पल कलर लेकर अपनी आउटर और इनर कॉर्नर को कलर से डिफाइन करूँगी। और यहाँ पर मैंने पर्पल कलर लिया है और फिर इसके बाद मैं पिंक कलर भी लूँगी, जिससे कि मिक्स एंड मैच करके वो वाला कलर आ जाए जो सायमा जी ने अपने आईज़ पर क्रिएट किया था। तो यहाँ पर लगभग आ गया था। और इसके बाद यहाँ पर येलो कलर ले रही हूँ लिट एरिया पे लगाने के लिए, क्योंकि उनने भी ये वाला कलर लिया था, पर येलो कलर नहीं था उनका, कुछ ग्लिटर सिम्बी कलर का था कुछ, तो मुझे येलो टाइप का लगा तो मैंने यहाँ पर येलो ले लिया। पर उनके तरह ही कुछ आईज़ लग रहा था मुझे, तो यहाँ पर मैं अच्छे से अपने आईज़ को डिफाइन कर लूँगी जब तक मुझे वो कलर नहीं मिल जाता जो सायमा जी ने लगाया था। और यहाँ से मैं हल्का सा शिमरी कलर लेके गोल्डन का अप्लाई कर लूँगी जिससे कि उनसे मिलता जुलता हो जाए। ऑलमोस्ट मेरा आई मेकअप कंप्लीट हो गया है और यहाँ पर मैं लिप बम अप्लाई कर लेती हूँ लिपस्टिक से पहले, और जब तक मैं अपना और मेकअप करूँगी तब तक मेरे लिप्स मॉइस्चराइज हो जाएंगे। अब यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ लाइनर, उन्होंने बहुत छोटा विंग लाइनर बनाया था तो मैं भी यहाँ पर कुछ इसी तरह का क्रिएट कर रही हूँ। और ये लाइनर लग गया एंड अब मैं इसको शेप दे देती हूँ अच्छे से। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कलर करेक्टर भी यूज़ कर लिया, और क्योंकि मेरे थोड़े से डार्क सर्कल थे। और इसके बाद पूरे फेस पे कंसीलर अप्लाई कर लिया जिससे कि पूरा फेस इक्वल हो जाए। और तो उन्होंने कोई अपने फेस पे कंटूर नहीं किया था, अपने फेस को शार्प नहीं करा था, तो मैं भी यहाँ पर अपने फेस को शार्पनेस नहीं दूंगी और अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से पूरे फेस को डैपिंग मोशन में अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। पैलेट से मैं ब्राउन कलर लेके अपने आईब्रो को थोड़ा फिल कर लेती हूँ। तो जो पर्पल कलर मैंने ऊपर लगाया था वही मैं लोअर आईज पे भी लगा लूँगी पर्पल कलर। तो आपने ये वाले पैलेट का रिव्यू डेमो नहीं देखा है तो जल्दी से जाके मेरे चैनल पे चेकआउट कर लीजिए। इस पैलेट का मैंने पूरा वीडियो बना के अपने चैनल पे दे रखा है, और ये वाला पैलेट मैंने कहाँ से बाय किया और कितने में, सब उस वीडियो में आपको मिल जाएगा। और नहीं देखा तो जल्दी जाके देख लीजिए। मैंने काजल भी अप्लाई कर लिया और थोड़ा सा मैं यहाँ पर पर्पल कलर लेके इसको स्मच भी कर लूँगी हाथों हाथ ही। एंड उसी पैलेट से मैं यहाँ पर ब्लश का शेड लेकर अपने चिक्स को ब्लश कर लूँगी।
तो ब्लश को नेचुरल लुक देने के लिए मैं यहाँ पर ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से उसको ब्लेंड कर लूँगी, जिससे कि नेचुरल लगे। और उन्होंने बहुत जल्दी ये वाला मेकअप क्रिएट किया था और उन्हें ज़्यादा कुछ प्रोडक्ट्स भी यूज़ नहीं किए थे। एंड इसके बाद मैं हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ पूरे फेस पर। और यहाँ पर मैं अब सेटिंग स्प्रे से अपना पूरा मेकअप सेट कर लूँगी। और उन्होंने सेटिंग स्प्रे वीडियो में तो यूज़ नहीं किया था, और पता नहीं उन्होंने बाद में यूज़ किया था कि नहीं किया था, पर वीडियो में उन्होंने नहीं दिखाया था सेटिंग स्प्रे के लिए। तो यहाँ पर मैं तब भी यूज़ कर रही हूँ अपना पूरा मेकअप को सेट करने के लिए। एंड उन्होंने थोड़ा सा पिंक और ऑरेंज टाइप की लिपस्टिक लगाई थी, तो यहाँ पर मेरे पास उसी से मिलती जुलती लिपस्टिक मिल गई। और मैंने यहाँ पर ये N/B की ये लिपस्टिक अप्लाई कर ली है। एंड इसको मैट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पाउडर का यूज़ किया है, जिससे कि ये पूरी मैट बन जाएगी और लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगी। एंड बालों के लिए उन्हें कुछ भी बालों में कुछ किया नहीं था, बस सिंपली बाल को इस तरह से बना लिया था। एंड मैं आपको थोड़ी देर में पूरे फाइनल लुक के साथ मिलती हूँ। दिस इज़ फाइनल लुक। और लुक को कंप्लीट करने के लिए मैंने यहाँ पर तिल का यूज़ किया है, जो कि लिप्स के पास है, और उनके उनके तो नेचुरल